नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो बात करते हैं 4 रुपए के शेयर के बारे में। इसका वीडियो मुझे वैसे कल बनाना था लेकिन कल किसी रीजन से मैं नहीं बना पाया। तो इस कंपनी के बारे में मुझे कहाँ से पता चला, सिंपल सी बात है, कंपनी के अप हुए रिजल्ट आउट, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ सेल्स और प्रॉफिट अप हुआ है और मैं पर्सनली उन स्टॉक को भी रडार में रखता हूँ जिनके प्रॉफिट अप हुए हैं, खासकर पैनी स्टॉक्स को, ठीक है। अगर आपको आप सोच रहे होंगे सर आप पैनी स्टॉक कहाँ से ढूंढते हो, ठीक है, तो एक तरीका यह है कि मैं कंपनी के रिजल्ट चेक आउट करता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट किसके आ रहे हैं पैनी स्टॉक्स के, और उसका प्रॉफिट अप हुआ है या सेल्स अप हुई है, तो मैं उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। फिर उसके बाद आपको सभी को पता जो मेरे फंडे हैं उनको मैं पुट ऑन करता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ। और अगर मुझे दिखता है कि स्टॉक का टेक्निकल चार्ट अच्छा बोल रहा है, प्राइस अच्छा बन रहा है, ठीक है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, कभी कभार प्राइस ना महंगा होता है, जैसे अब 4 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्या पता ये प्राइस महंगा हो, तो मैं अपने वीडियो के अंदर बोलता हूँ प्राइस महंगा है, स्टॉक को आप 3 रुपये में एवरेज कर लेना। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, क्योंकि यही आपको बड़ा रिटर्न कमा के देता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, समझ गए आप, थोड़ा समझना बातों को। अगर मैं बोल रहा हूँ स्टॉक को एवरेज करो तो उसका मैंने एक प्रॉपर आपको एक बोलते ना प्लान दे रखा है, ठीक है, कि कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने ऐसे हवा बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन प्लान दे रखा है, जो शायद आपको अगर आप किसी के पास जाओगे ना वो पेड क्लास आपको यही बेचेगा कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, जब प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा है तो तब क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो देखोगे, जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तब आपको नंबर दिखेगा, रिजल्ट दिखेंगे, तब बोलोगे हाँ यार ये चीज काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसी हवा में नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को शुरू शुरू में देख लो, नाम देख लो और उससे काम चल जाएगा, नहीं, अंदर बहुत सारी बातें होती है जो इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर आपको या एज अ इन्वेस्टर अगर आपको ग्रो करना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कभी एक जैसा बर्ताव नहीं करती है, लेकिन आपको हमेशा जो अपना डिसिप्लिन है, रूल्स है, पोजीशन साइजिंग है, मनी मैनेजमेंट है, उसको हमेशा एक साथ रखना है, जितना हो सके एक साथ रखना है, तभी फिर आप सेम प्रॉफिट और सेम लॉस में निकलोगे, समझ गए। क्योंकि अगर कभी भी ये ऊपर नीचे हुआ तो कभी अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ लॉस उससे ज्यादा हुआ तो भैया नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो आपको दोनों बैलेंस रखना है, वो बैलेंस तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर वीडियोस को पूरा देखोगे, सुनोगे, समझोगे, राइट। नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे पूरा तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ सुन लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है, प्रॉफिट आउट हो जैसे मैंने बोला, डेट फ्री शेयर है, और देखो प्रमोटर होल्डिंग हैज बीन इंक्रीज 38%, समझ पा रहे हो कितना बड़ा नंबर है, 38% प्रमोटर हैज बीन इंक्रीज 38%, ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में। और साथ में आप देखो सेल्स कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी है, ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, दिखा देता हूँ आपको, इसके भी प्रॉफिट आउट हुए, देखो सेल्स एरी ऑलमोस्ट 26 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो 44% के आसपास की यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पर क्यों दिखा रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ठीक है, चलो वहाँ दिखा रहा तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ देखो यहाँ पर 23% रिटर्न प्रमोटर्स है, तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। रीजंस प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, डेट फ्री शेयर है, डायमंड का बिजनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में, ठीक है, और साथ में बुक वैल्यू 2.68 रुपए। अब ये जहां तो आने वाला नहीं है, क्या करना, बहुत सिंपल है बॉस, यहाँ पर इस प्राइस में बाय करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत सिंपल सा स्टॉप लॉस, 40 पैसे का लॉस, ठीक है, 40 पैसे का लॉस। अब क्वांटिटी कैसे करनी है, 1000 क्वांटिटी अगर मैं बाय करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय दिस, मेरे पास 400 रुपए का लॉस निकल के आता है, ठीक है। आप ये मत सोचो आपके कितने रुपए गए, मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी, वो मत सोचो, ये देखो लॉस कितना हो रहा है, 400 रुपए का मात्र हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 1 जीरो बढ़ा दूंगा तो ये 4000 का लॉस होगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन शॉर्ट पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको वो बता दिया कैसे काम करना है, बस इसमें आपको यही करना है, 4 में बाय करो, इसका स्टॉप लॉस लगाओ, बस 356 के नीचे जाता है एग्जिट कर देना, सोचना मत एग्जिट कर देना, दोबारा मौका मिलता है 4 रुपए में फिर दोबारा बाय कर लेना, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा बनने देना वहां पर पहले, ठीक है। तो यही अपडेट था स्टॉक के बारे में, बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ इसमें मेरा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, जो पैटर्न मैं आपको बोलता हूँ वो पैटर्न नहीं बन रहा है, सिंपल यहाँ पर एनालिसिस कर रखी है, तो ये भी आप ध्यान रखना, किसी में कुछ पैटर्न बनता है जो आपको मैंने बताया ना, कुछ पैटर्न बनते हैं जो न्यूज वाले पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न इसमें नहीं बना है अभी, ठीक है। हाँ अगर फ्यूचर बनता है तो मैं डेफिनेट आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले बाय बाय, टेक केयर।